इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ योर कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो पहले तो वर्ड समझ लें आप। कॉमन आयन इसका मतलब कोई एक आयन होगा जो कैसा होगा, इट विल बी कॉमन इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन, उससे कोई ना कोई इफेक्ट अप्लाई होने वाला है, तो दैट पर्टिकुलर इफेक्ट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। अब क्या होगा ये उसे समझते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम समझ लें दिस टॉपिक इज एप्लीकेबल when there is a common ion। ये पहली चीज, ठीक है, एक आयन उसके अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, कॉमन आयन होना चाहिए इन द सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लें। एग्जाम्पल में ऐसा हो सकता है कि आपके पास CH3 COOH एसिडिक एसिड हो और उसके साथ आपके पास हो CH3 COONA। अगर किसी सॉल्यूशन में ये दो चीज़ें टुगेदर होती हैं, अगर साथ में होती हैं, तो आप देख सकते हैं इधर भी एसिटेट आयन आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, एसिटेट आयन आएगा। वैसे अगर हम एसिटिक एसिड ले लें, मतलब CH3 COOH ले लें, और उसके साथ अगर हम HCl ले लें, तो इस केस में भी आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक H प्लस वाला आयन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और केसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपके पास NH4OH हो और उसी के साथ आपके पास NH4Cl हो जाए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि NH4 वाला जो कंपोनेंट है वो कैसा हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अगर आपने कोई सोल्यूशन ले लिया और उन सोल्यूशन में अगर आपके पास ऐसा कुछ दिख जाए कि एक आयन कॉमन है, तो वहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। तो कहाँ अप्लाई होता है वो हमने समझ लिया, क्या होता है अब वो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसके अंदर AB नाम का एक कंपोनेंट अवेलेबल है, और इसे ब्रेक डाउन होने के लिए जब वो ब्रेक होता है तो आपके पास A+ और B- जो है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, अच्छा, एरो से हमें समझ में आ जाएगा ये कैसा होगा, इट विल बी स्ट्रॉन्ग। दूसरा कंपोनेंट हम ले लेते हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं AC की। AC को हम कंसिडर करते हैं, वो वीक होगा, तो यहाँ पर आपके पास A+ फिर बनेगा और CS- बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? एक कंपोनेंट हमने लिया है जो कैसा है, इट इज स्ट्रॉन्ग। एक जो है वो कैसा लिया है, इट इज वीक। अब सॉल्यूशन जो बन रहा है आपके पास, उसमें आपको एक आयन कॉमन मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं कि कॉमन आयन जो है इट इज A+। कौन सा आयन आपके पास कॉमन हो गया, A+ का। अगर A+ का आयन कॉमन हो जाता है तो कॉमन आयन इफेक्ट ये बताता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? तो पहले तो हमने लिख दिया कि आयन कौन सा कॉमन है, ये दैट इज A+। दूसरा हमने लिख दिया कि कॉमन आयन इफेक्ट होगा क्या, कि अगर सॉल्यूशन के अंदर कॉमन आयन मिल जाए तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन से डायरेक्शन में चले जाएगा, बैकवर्ड। अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाता है, इसका मतलब ये अब डिसोसिएट ही नहीं होगा, और डिसोसिएट नहीं हो रहा है इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, इट इज AC। और जो भी आपके पास A+ बने होंगे वो असल में किसके वजह से बने होंगे, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, देयरफॉर ऑल A+ फॉर्म्ड विल बी ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको एक्सप्लेन करता है व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, पहले आपको ये समझना है कि एक सॉल्यूशन ऐसा आ जाए जिसके अंदर एक आयन क्या हो, कॉमन हो। अगर कोई आयन कॉमन हो जाता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है तो जो भी A+ बने थे अब वो वापस से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और सिर्फ सॉल्यूशन में जो भी आपके पास A+ बन रहे हैं वो किसके वजह से बनेंगे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, होप आपको कॉमन आयन इफेक्ट अब समझ में आ गया हो।